हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्वेश्चन लाए हैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ए 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पहले क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे। H2SO4 इज डाइल्यूटेड, तो बोला है डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूटेड का जैसे ही हम पढ़ेंगे डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है उस पर हम पुट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ निकालना है हमें मोलारिटी, निकालना है क्या मोलारिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन जब रहे, डाइल्यूशन का जब क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन में मेंशन रहे डाइल्यूशन, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और एम ही भी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे पहले M1 कितना दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है M1 5 मोल, ठीक है, और M2 क्या करना है निकालना है, और V1 जो है वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है, और V2 10 लीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे M1, इसका फॉर्मूला डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, जो डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है ये होता है M1V1 = M2V2। तो हम इस पर पुट कर देंगे, M1 दिया हुआ है और V1 दिया हुआ है, और M2 क्या करना है निकालना है, और V2 10 लीटर, ठीक है। तो M2 यहाँ से निकल जाएगा, और जब कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला पर पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 5 और इसको इधर ले गए तो हुआ 10, 5 5 बाई 10, तो M2 हो गया 0.5 मोल, ठीक है, कितना हो गया 0.5, इतना मोलारिटी हमें निकालना, इतना आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन इज 0.2, देन फाइंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट। तो क्या निकालना है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। X1 यानी कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऐसे होता है ना, XA + XB = 1, तो भाई एक्स इसका एक जगह में 1 और बी की जगह में क्या लिखे हैं 2, तो क्या होता है 1। तो यहाँ बोला है 0.0 सॉल्यूट इन बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन बेंजीन, तो कितना दिया हुआ है इसका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2, तो यहाँ 0.2 लिखेंगे 2, और क्या इसे 1 माइनस करेंगे 0.2, तो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। यही हम पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट दिया हुआ था सॉल्वेंट नहीं था, ठीक है ना, तो 0.8 आ गया। अब क्या है, बेंजीन का मोलर मास कितना हो जाता है 78, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, यह हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, मतलब सभी को एक साथ, ताकि ये इस फॉर्मूला से क्या इजीली निकल जाए, ठीक है ना। जब सॉल्यूट और मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन जब साथ में दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूला से क्या करेंगे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इससे निकल जाएंगे। देखिए इस फॉर्मूला से इजीली निकल जाएगा, हम कोई भी क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना है 0.2, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0.8 है, अब यहाँ 1000 और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है, सॉल्वेंट का मोलर मास है 78 फुट कर दिए, तो क्या मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 250/78 से, इतना हो जाएगा। इसको हम आगे भी और आंसर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन, द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विच हैज ए डेंसिटी 0.1.48 g/cc एट 37
डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन 78% बाय वेट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन विच हैज ए डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सीसी एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेंट 98% बाय वेट इज। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है और H2SO4 सॉल्यूशन है जिसमें डेंसिटी क्या है दिया हुआ है इतना, अब निकालना है। तो इसमें इसमें भी एक क्या है वेट, जब वेट और मोलारिटी का जब कॉम्बिनेशन हो क्वेश्चन में, दोनों अगर साथ में दिया रहे, वेट दिया हुआ हो और वेट बाय वेट जो होता है ना, वेट बाय वेट वो दिया हुआ हो और मोलारिटी जब साथ में हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन चैप्टर में। उसके लिए हम इजी लाए हैं, इजी ट्रिक से बनाने के लिए, ताकि ये जो क्वेश्चन है ये सब ऐसा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मोलारिटी लिखेंगे, मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी लिखेंगे 10xD बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। ठीक है, तो x मतलब क्या, वेट, x मतलब वेट को हम x से यहाँ पर लिखें, 10 लिखें, 98 ग्राम क्या है वेट है, अब डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है 1.84 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 का कितना होता है 98, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर इसका आंसर आएगा 18.4 मोल। ठीक है, मतलब मोलारिटी। ये क्वेश्चन, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।